तो जैसे ही आप दिन की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आपको डिलीवरी बॉय के गाड़ी में जार लोड करने हैं। अगर आप डिलीवरी बॉय के गाड़ी में जार लोड नहीं करोगे तो जार की एंट्री नहीं होगी, डिलीवरी बॉय जार की एंट्री नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको एज ओनर ओनर के ऐप से पहले डिलीवरी बॉय को कितने जार भरे हुए दिए हैं ये पहले ऐड करना है। इसके लिए आपको ओनर के ऐप में साइड मेनू बार पे क्लिक करना है, इन्वेंटरी पे जाके डेली इन्वेंटरी पे क्लिक करना है, यहाँ आपको लोड जार पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट डिलीवरी बॉय, एक पॉपअप ओपन होगा, वहाँ पे सिलेक्ट डिलीवरी बॉय का ऑप्शन आएगा और वहाँ से आपको सिलेक्ट डिलीवरी बॉय करना है। मान लीजिए एज अ ओनर आप भी एक डिलीवरी बॉय हो, आप खुद भी एक डिलीवरी करने जाते हो तो आप भी डिलीवरी बॉय हो गए, ओनर तो कंपनी में हो गए, लेकिन जब आप साइड पे जाते हो तो आप डिलीवरी बॉय हो गए। तो मान लीजिए आपने भी क्या किया कि 25,000 फुल वाले लिए और 25,000 नॉर्मल बॉटल वाले लिए। जैसे आप सबमिट करोगे तो ये जार लोड की एंट्री हो जाएगी। स्टैटिक स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, अब आपके गोडाउन में से स्टॉक कम होकर वो गाड़ी में चला गया, मतलब गोडाउन में पहले जार का स्टॉक था 409, वो कम होके अब हो गया 359 और गाड़ी में हो गया 50,000। अब आपको डिलीवरी बॉय को भी, जो दूसरा डिलीवरी बॉय है उसकी भी गाड़ी लोड करनी है। उसका नाम है विजय और वो हड़पसर ग्रुप को असाइन किया है। उसको भी हमने क्या किया, 25,000 कूल वाटर दिए और 25,000 बॉटल वाटर दिए, सबमिट कर दिया। तो यहाँ देखिए डिलीवरी बॉय के स्क्रीन पे, तो डिलीवरी बॉय की स्टैटिक स्क्रीन है वहाँ पे देखिए वो आ गया कि उसके गाड़ी में 50,000 है। और ओनर के स्क्रीन पे देखिए, ओनर के स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि अब गाड़ी में टोटल 100,000 है, जिसमें से 50,000 ओनर के गाड़ी में है और 50,000 डिलीवरी बॉय के गाड़ी में है, बराबर। तो अब दो गाड़ियाँ हमारी मार्केट में जा रही है। ओनर को तो सारे कस्टमर का एक्सेस है, लेकिन डिलीवरी बॉय को सिर्फ उसके कस्टमर का एक्सेस है। अब आपका डिलीवरी बॉय मार्केट में गया है, उसने कुछ जार डिलीवर किए हैं, कुछ वापस लाए हैं और कुछ मार्केट से पेमेंट उठा के लाया है। साइड मेनू बार पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इन्वेंटरी का ऑप्शन आएगा। जैसे ही डिलीवरी बॉय वापस आता है तो आपको सबसे पहले उसकी गाड़ी अनलोड करनी है, बराबर। तो गाड़ी अनलोड करने के लिए ऐसा नहीं कि डिलीवरी बॉय को पूछना है कि किसको कितने दिए, कितने लाए, अब कितने उतर रहा है। सिंपली आपको ऐप पे जाना है, साइड मेनू बार में इन्वेंटरी में जाके डेली इन्वेंटरी पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप अनलोड जार पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ से मैजिक स्टार्ट होता है एप्लीकेशन का। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए कि एग्जैक्ट AI एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, स्टैटिक एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, ये यहाँ दिखेगा। जैसे ही आपने डिलीवरी बॉय सिलेक्ट किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगी कि अभी डिलीवरी बॉय के गाड़ी में से आपको कितने जार उतारने हैं, कितने जार अनलोड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए विजय के गाड़ी से कुल जार 20 रिटर्न फील्ड है, यानी कि भरे हुए 20,000 अनलोड करने हैं और एम्प्टी कलेक्टेड 3,000 अनलोड करने हैं और बॉटल जार 15 रिटर्न फील्ड, यानी कि 15 भरे हुए बॉटल जार आपको अनलोड करने हैं और 5 एम्प्टी करने हैं। ये तो एक मैजिक हो गया। अब नेक्स्ट मैजिक में दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे ही हम एक जार की क्वांटिटी मान लीजिए सिस्टम के हिसाब से नहीं अनलोड हुई, मान लीजिए यहाँ 3,000 अनलोड करने थे लेकिन डिलीवरी बॉयज के रिकॉर्ड अच्छी तरीके से न रखने के कारण या किसी भी वजह से डिलीवरी बॉय ने मान लीजिए कम जार अनलोड किए, यहाँ समझे 2,000 अनलोड किए, यहाँ 15 और यहाँ पे 4, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मिसिंग जार का काउंट निकाल के देगी। जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे एक अलर्ट पॉपअप आएगा, 1 EMT कूल जार आर मिसिंग, 1 EMT बॉटल जार आर मिसिंग। अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हो, मतलब पूरा कैलकुलेशन लगा के भी मिसिंग है तो सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट कर सकते हो। अगर आपको रिकैलकुलेशन करना है ये एंट्री कैंसिल करके फिर से एक बार आपको टैली करके एंट्री कर सकते हो। यहाँ मैं करता हूँ सबमिट एनीवे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टैटिक स्क्रीन का क्या कंडीशन है। अब यहाँ देखिए स्टेटस क्या है, स्टैटिक स्क्रीन पे आपके 500 टोटल स्टॉक जार है, उसमें से जार इन व्हीकल 50 है क्योंकि ओनर की गाड़ी अभी भी अनलोड नहीं हुई है, 50,000 ओनर के गाड़ी में अभी भी है, 350,000 गोडाउन पे है, 98,000 कस्टमर के पास है। अब जो बैलेंस जार यहाँ लिखा है ना, कस्टमर का बैलेंस जार, इसका टोटल एक कस्टमर बैलेंस जार है, मतलब ये सारा टोटल आप लगा के देखिए दोस्तों 98,000 होता है और लास्ट में होता है मिसिंग जार, क्योंकि आपका बैग अभी इस डिलीवरी में 2,000 मिस हो चुके हैं। जैसे ही आप मिसिंग जार पे क्लिक करोगे तो एक रिपोर्ट डाउनलोड होकर आएगी और वो रिपोर्ट आप यहाँ PDF फॉर्म में देख सकते हो।
उस पीडीएफ फॉर्म में आपको सारी चीजें दिखेगी, मतलब किस तारीख को कितने जार लोड किए और लास्ट में आपको कैलकुलेटेड अनलोड जार और एक्चुअल अनलोड जार का काउंट मिलेगा और आपको वहां रिपोर्ट में दिखेगा कि कौन सा जार कब मिस हो चुका है।